वहीं भोजपुर में अपराध रोकने के लिए भोजपुर के नए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी चीता मोबाइल का गठन किया जाता है तो कभी फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सभी हथकंडे अपराधियों के सामने नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला भोजपुर के आरा शहर का है, जहां अपराधियों ने हथियार की नोक पर एक ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दुकान के मालिक ने बताया कि उक्त अपराधी 3 की संख्या में दुकान पर ग्राहक बनकर आए थे। उस समय दुकान पर दुकान के मालिक के साथ उनके कर्मी और कुछ ग्राहक मौजूद थे। तभी अपराधियों ने मौका पाकर दुकान के शटर को बंद कर दिया और दुकानदार के पूछने पर अपराधियों ने बंदूक निकालकर दुकान में सभी मौजूद लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद दुकान के सभी गहनों को अपने थैले में डालकर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। तीन लोग आए हथियार लेकर, भिड़ा गए लोग और दुकान में से सामान लेकर फरार हो गया। शटर गिरा दिया है लोग आते के साथ और बोला कि तू तीन निजाम देखा करें और फिर निकल गया। कितने का सामान लूटा? 6-6 लाख। तीन आदमी हथियार के साथ थे? तीन लोगों के पास था। आपको बंधक बना लिया गया था? हम दोनों आदमी थे। हम थे तो और कस्टमर भी था। मैंने 6-6 लाख रुपए का था। क्या नाम है आपका? पवन। गहने के साथ कैश का भी? कैश नहीं था। केवल गहने की लूट हुई है।